ये संत दरा के ऊपर आते रहते हैं, खोजते रहते हैं, लेकिन संत असली और नकली का बड़ा दुर्लभ खेल है। इतना मुश्किल काम है समझ पाना, आप सोच भी नहीं सकते। जिस प्रकार से नकली संत चलते रहते हैं, नकली सिक्के इस संसार के अंदर चलते रहते हैं, नकली नोट इस संसार के अंदर चलते रहते हैं, लेकिन असलियों को छुपा करके तिजोरी के अंदर रख लिया जाता है। आप ये समझो जैसे आपके हाथ कुछ नोट लगे हों नकली, और साथ में आपके पास असली नोट हों, आप पहले असली नोट चलाओगे या नकली नोट चलाओगे? कितने लोग बैठे हैं विचार कीजिए, सबके मन में एक ही सवाल होगा, पहले जो ये नकली है इसको निकाल करके कुछ सामान खरीद लो, ये चल जाएगा, असली वाला तो हमारा पक्का ही है। यही खेल हमारे समाज का हो गया है, यही खेल इस संसार का हो गया है। जितना भी नकली है वो सब चलते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, और जो असली सामान है उसको तिजोरी में रख देते हैं और वो तिजोरी के अंदर ही रह जाता है, वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। यही हाल हमारे संतों का हो गया है, यही हाल हमारे महात्माओं का हो गया है, वो तिजोरी के अंदर बिल्कुल बंद है, वो ना वो खुद निकलना चाहते लोग, ना उन्हें लोग निकलने देंगे, क्योंकि वो खोज के विषय है, वो समझ का विषय है, वो अनुभव का विषय है, वो प्राप्ति का विषय है, वो मोक्ष का विषय है, वो रास्ते का है, वो लड़ने का है, वो संघर्ष का है, वो अलग सब कुछ तैयार करने का विषय है। लोग झेल नहीं पाएंगे, लोग उनके साथ चल नहीं पाएंगे, लोग अपने विचार उनके साथ मिला नहीं पाएंगे, क्योंकि वो उधर भागेंगे, लोग उधर भागेंगे, ऐसे ही दौड़ते रहेंगे। इस दौड़ में, छटपटाहट में हम अपने को भूल जाते हैं, लेकिन संतों को देखने लगते हैं, अरे ये मेरी बात नहीं मान रहा, जाना था इधर, मैंने इधर बोला था, ये इधर जा रहा है। वो ये नहीं समझ रहे, अरे तुम क्या सोचते हो, इसको सब कुछ दिखाई देता है, ये उसके आदेश पर चलते हैं, लेकिन हम ये सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ दूर दूर तक हमारे हिस्से में भी नहीं रहता, याद भी नहीं रहता, दिमाग में भी नहीं रहता, दिमाग से भी निकल जाता है, और हम संतों के साथ रहते हुए भी दूर 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 और दूर होते चले जाते हैं।